नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपको मालूम है कि बिहार दरोगा के लेकर अभ्यर्थी अब लगातार आवाज उठा रहे हैं। जिस दिन एग्जाम देकर आए उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम लोग को क्वेश्चन नहीं मिलता है, जब हम लोग को प्रश्न पत्र नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पर कहां से आ गया। इन सारे चीज को लेकर मेरे साथ सभी छात्र हैं और ये लोग दरोगा का एग्जाम दे चुके हैं। अब इन लोग का देखिए क्या क्या डिमांड है। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। आपको क्या हुआ जब आप एग्जाम देकर आए? देखिए, एग्जाम देकर आए तो पहले तो हमको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड था कि प्रश्न पत्र बहुत अच्छे तरीके से मैंने सोल्व किया है और हम लोगों ने आप खुश ना, कहीं हम लोगों की जिज्ञासा थी कि हम लोगों की वर्दी मिल जाएगी। एक चीज ये नहीं पूरा हो पाया, इस चीज का दुख हम लोगों को हर क्षण रहता है, ठीक है। बिहार पुलिस में भी वैसा ही हुआ और दरोगा में भी वैसा ही हुआ। एक चीज तो क्लियर है कि जब तक इस तरीके का काम होता है तो कोई युवा सक्सेस नहीं। जो कमजोर तबके का छात्र है, जो गरीब दलित शोषित वंचित का बाल बच्चा जैसे मैं भी हूँ, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे अगर इस तरीके से लगातार प्रश्न पत्र वायरल होते, चाहे बीएसएससी सीजीएल हो या बिहार पुलिस हो या दरोगा या तमाम सारी बहालियां हो बिहार की, भाई वायरल हो ही जाती है। आखिर सेंट्रल की क्यों नहीं वायरल होती? अभी बिहार में जिस तरीका से देखा जा रहा है, आपके उप मुख्यमंत्री यूथ हैं, लगातार वो कह रहे थे कि जब से हम सत्ता में आएंगे युवाओं का काम करेंगे। बोले थे कि एक भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, लेकिन आप लोग आवाज उठा रहे थे, क्या उम्मीद है वो इसको कैंसिल करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं कह देना चाहता हूँ कि उस चीज की निष्पक्ष रूप से जांच करवाएं और जो उसमें भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं और जो जिस जहां पे जिस सेंटर पे प्रश्न पत्र वायरल हुआ है वहां पे जो अधिकारी मौजूद थे उनकी तत्काल रूप से बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों की सबसे बड़ी हाथ है उसमें प्रश्न पत्र वायरल करवाने में। उन लोगों की जांच होनी चाहिए। आखिर एक सेंटर के वजह से आखिर उन चार पांच अधिकारी और कोचिंग माफिया और नेता के द्वारा, उसमें कोचिंग माफिया भी है, बिल्कुल कोचिंग माफिया है उसमें, जो जो दरोगा के नाम पे टीआरपी लूट रहे हैं और छात्रों से लूट खसूट का मामला बनाए हुए हैं, इन उन लोगों की जांच होनी चाहिए, उन लोगों की बर्खास्त, उनको जेल भेजिए भाई आप। किनसे आपको उम्मीद है, किनसे गुहार लगाइए? देखिए, उम्मीद तो किसी से नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है भाई, मुख्यमंत्री से भी नहीं, किसी से नहीं उम्मीद है। क्योंकि आज इतना दिन प्रश्न पत्र वायरल हुए हो गया भाई, उसकी भाई रद्द क्यों नहीं हुई भाई एग्जाम? विपक्ष के नेता कोई आप लोगों के साथ आए कुछ बोले? देखिए, कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो हम लोगों के साथ है, कोई भी नहीं है भाई, सीधी क्लियर बात है, ठीक है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 24 की चुनाव दूर नहीं है, ठीक है, बहुत करीब है और मैं पूरा युवा उसका पुरजोर विरोध करेगा एक चीज का। जिस तरीके से आज हम लोग अपना दिन देख रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों के साथ एकदम करीब से वर्दी का स्टार छीन लिया गया, आगे आने वाले टाइम में 24 में हम लोग भी बता देंगे आखिर इसको क्या करना है और आगे की निर्णय क्या होगी, ठीक है। बहुत सारे शिक्षक अभी से शुरू कर दिए कि मेंस की तैयारी कर लीजिए, उनको ये दर्द क्यों नहीं होता है कि युवाओं के साथ? पहली बार इसको देखिए, पीटी जब क्लियर नहीं हो रहा है तब मेंस करके कोची कीजिएगा? मेंस करके कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। कोर्स का एक प्रश्न पत्र वायरल हो गया तो उसका देख रहे हैं आप, जो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं वो लोग एक भी ट्वीट नहीं किए, ठीक है। आप लोगों के साथ शिक्षक नहीं आते हैं? कोई शिक्षक नहीं है। पहले के गुरुजी और शिष्य में बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था। अरे, अब गुरु शिष्य नहीं रहा, शिष्य पैसा देता है, गुरु लेता है, ठीक है। अब फिर गुरु बोरिया बिस्तर समझता है गायब, व्यवसायिक का संबंध हो गया, बिल्कुल व्यवसायिक हो गया है। जो 1 लाख छात्रों को अभी तक मिल रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों, 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए अभी तक मिल रहा है पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव जुड़ेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे जीरो हो जाएगा, कोड लगाना है TOA100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सेलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिस अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। जो इसमें शिक्षक है उन लोगों को एक बार आना पड़ेगा आगे। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो इसमें शामिल है उन लोगों की जांच हो और जो अधिकारी जो जहाँ पे इसकी मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री इसकी जांच करवाएं और इसको तत्काल रूप से रद्द किया जाए, नहीं तो वरना हम लोग तो रोड पे आने के लिए तैयार ही, रोड पे आइए, बिल्कुल तैयार हैं। क्या शिक्षक से आप उम्मीद करिएगा? पटना के सभी शिक्षक, जिस तरीका से आप दिल्ली में देखे होगा एसएससी का प्रश्न एक बार वायरल होता है और सभी वहां के शिक्षक पहुंच जाते हैं और उसके बाद एसएससी में इतना सुधार हुआ कि हमेशा से कैलेंडर दे दिया जाता है सब कुछ, क्या इसमें भी उम्मीद है कि पटना के सभी शिक्षक आप लोगों के साथ? जब कहा जाता है ना, जब सड़कें सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। सुब बाजे तब बाजे चलनियों बाजे, वह हाल है, ठीक है। सरकार तो उसकी कुछ करिए नहीं रही है तो ये शिक्षक क्या करेंगे भाई, जो तो धनुगाई का काम कर रहे हैं ये लोग क्या करेंगे? उन लोगों का काम है बस धनुगाई करना, आप लड़िए मरिए कटिए, उन लोगों का कोई इससे अच्छी नहीं है, कोई मतलब कोई। आज देखिए, आज
कौन ऐसा टीचर नहीं है जो ट्विटर नहीं चलाता है, जो फेसबुक पे वीडियो नहीं चलाता है भाई, यूट्यूब पे अपना चैनल नहीं रखा है, हर एक शिक्षक है, कोई नहीं बोले है यूट्यूब पर आके या कहीं। नहीं भाई, कहाँ कोई बोला, आप हो तो हमको बताइए, कोई ऐसा नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, हम एक एक चीज को रोज मैं देख रहा हूँ, आखिर कौन शिक्षक हम दुख होता है में आ रहा है, कौन नेता साथ में आ रहा है। दुख तो इतना है कि हम आपसे जाहिर नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। और एक चीज और रही बात, जिस तरीके से हम लोगों के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है। और जो इसमें बड़े बड़े मुर्गियां, जो 10 दिन के नेता जो तैयार हुए हैं ना, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ उन लोगों को, इस चीज को समझना पड़ेगा। जिस दिन अगर हमसे आमना सामना हो गया फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, इस चीज को समझिए। आप 10 दिन के लिए आते हैं उन युवाओं के साथ, जो नए युवा हैं उन लोगों को आगे करके, मैं एक चीज बीएसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट में भी देखा था, उन लोगों को आप गिरफ्तार करवा दिया और आप पीछे गली से ले गए। आप खुद नेता से सेटलमेंट है और आप बात करते हैं, आप उन फिर उन भाजपा वाले लोगों से मिले जुले लोग हैं, ठीक है। मैं जानता हूं कि सरकार आवाज नहीं उठा रही है, लेकिन हमारी सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि उस चीज पर आवाज नहीं उठा। मानते हैं सरकार तक ये बात नहीं पहुंची हो, लेकिन फिर भी हम लोग पहुंचाने का इसका काम पुरजोर करें। आप क्या कहिएगा, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि जांच हो, जांच हो। लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ, ना तो कोई टीचर बोल रहे हैं ना कोई नेता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए। देख सकते हैं सभी लोग का साफ तौर पर कहना है कि कम से कम जांच कराया जाए। आखिरकार जब प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है अभ्यर्थी को नहीं मिलता है तो मार्केट में कहां से आ गए, व्हाट्सएप पर कहां से आ गए, इसकी पूरी तरीके से जांच हो। और इसकी जो भी सतत एक बात साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी अभ्यर्थी है अपने लिए खुद आवाज उठाएं, यदि वो आवाज नहीं उठाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।